राम। यह प्रवचन श्रद्धे सेठ जी श्री जय दयाल जी गोविंदका द्वारा 18 नवंबर 1942 सुबह 4 बजे हुआ। बैच संख्या 156, प्रवचन संख्या 17, विषय सात्विक कर्ता की व्याख्या। 18वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मुक्त संगो नहम वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। निष्काम कर्म में यह जो श्लोक है बहुत बढ़िया है। इसका अर्थ, तथा हे अर्जुन, जो कर्ता संग्रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। मुक्त संगह से तात्पर्य है आसक्ति से रहित। किसी के विवाह है, हम उसमें गए, वह लाडू बना दो, पेड़ा बना दो, अपने कुछ आसक्ति नहीं है। रोग में औषधि खावे, इसी तरह आसक्ति नहीं हो। फल की इच्छा तो है किंतु आसक्ति नहीं। अनहमवादी, अच्छा काम किया किंतु किसी से कहे नहीं। जब ध्यान किया कहे नहीं, अपने बड़ाई से बचे। धृति, कोई काम हो घबरावे नहीं। जैसे माली है वृक्षों को सींचे, किंतु बहुत दिन बाद वह वृक्ष फल देवे। वह इस आशा पर सींचे, धैर्य रखकर सींचे। ऐसे ही परमात्मा का विषय है, इसमें उकतावे नहीं, जल्दी नहीं करे। उत्साह, जिस तरह रुपए कमाने में लोभी आदमी का उत्साह रहता है, उसी तरह महात्मा की सेवा में उत्साह हो। प्रेम का कोई काम करने में जो उत्साह हो, ऐसे ही भगवान के काम में उत्साह रखे। सिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकारः, कार्य संपादन सिद्धि के लिए जो प्रयत्न किया जावे, वह और फल की तरफ ध्यान नहीं देवे। कोई काम करे तो निंदा हो या बड़ाई, उस पर ध्यान नहीं लावे। यह काम सांख्य योग और कर्म योग दोनों में हो सकता है, दोनों के बीच में कोई आपत्ति नहीं। 5 बातें बताई, अनहमवादी, धृति, उत्साह, फल की इच्छा नहीं होना और आसक्ति का नहीं होना। यह बड़े काम की बातें हैं, इससे बड़ी जल्दी कल्याण हो सकता है। कल जो बातें बताई स्वार्थ के त्याग की, वैसी ही कई और बातें हैं। जैसे स्वाद की बात है, भोजन में कोई दिन नमक भूल गए, कोई दिन ज्यादा पड़ा, या साग बना करेले का जो खारा होवे भावे नहीं, फिर कोई दूसरा साग बना जो स्वाद होवे अच्छा लगा अनुकूल पड़े तो सम भाव से खा ले। आराम चाहे जैसे मांचे में, जैसे मांचे पलंग पर सोना और जमीन पर सोना, ऐसे ही बहुत सी बातें हैं। बाल बनवाए, नाई ने ज्यादा काट दिए
तो खराब हो गए। यह मन के भटके तो शौकीनाई की बात है, इसमें कुछ खराबी नहीं, किंतु देखने में बुरी लगे। इन सब बातों में इंद्रियों में आसक्ति होने से स्वार्थ की मात्रा है। ऐसे ही गंध के विषय में, माला है कोई, ऐसे ही गंध के विषय में है, माला है कोई गंधमय है कोई में नहीं, तो स्वार्थ बुद्धि हो जावे कि गंधमय लूं। यहां स्वार्थ बुद्धि होकर एक का ग्रहण और एक का त्याग है। ये जो पांच इंद्रियां हैं, इनमें ही बुराई भरी है। आसक्ति को लेकर ही स्वार्थ बुद्धि होती है। हर एक चीज के ग्रहण और त्याग में यह बात है, पद पद पर यह बात है, व्यवहार को सुधारने की बात है। कोई चीज अच्छी है और कोई कम अच्छी, हम दोनों चीजें देख लेते हैं। अच्छी तो हम लेना चाहते हैं और कम अच्छी दूसरे को देना चाहते हैं। सिंहावलोकन करके सुधारने की आवश्यकता है। सौ सौ माला फेरने वाले में भी यह दोष मिलता है, ऐसी माला दामी नहीं। माला फेरने का फल अंतःकरण की शुद्धि और भगवान की स्मृति तो बनी रहेगी, यह हो सकता है, किंतु यह जो व्यवहार है उसको दामी नहीं बनने देता है। बात आई भजन की, प्रेम से जो भजन होवे उसमें अंतःकरण की शुद्धि आ जावे और उसी से काम बने। अंतःकरण की शुद्धि बड़ी अच्छी चीज है। हर एक काम में स्वार्थ त्याग का ख्याल रखना चाहिए। नारायण 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 श्रीवल 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 नारायण 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 அப்பாரானும் சாந்தானும் ஆனந்தியானும் ஆனந்தியான சாந்தி சாந்தி சாந்தி.